हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल वेलकम कार न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं 10 लीस्ट सेलिंग कार्स ऑफ इंडिया इन अप्रैल मंथ, यानी अप्रैल के मंथ में 10 सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। 10th पोजिशन पर आई है मारुति की बजट सेगमेंट में आने वाली 4x4 SUV जिम्नी। मारुति सुजुकी जिम्नी की 257 यूनिट्स भी किए अप्रैल के मंथ में। अगर आप मारुति सुजुकी जिम्नी खरीदना चाहते हो तो जिम्नी पर अभी 1,00,000 तक का तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है, तो आप चाहो तो खरीद सकते हो। 9th लीस्ट सेलिंग कार है सिट्रन की C3, जिसकी 251 यूनिट्स भी किए अप्रैल के मंथ में। अगर हम C3 की बात करें तो प्राइस के हिसाब से इस गाड़ी में पैकेज कम मिलता है और फीचर भी बहुत कम मिलते हैं। अगर C3 को हैचबैक सेगमेंट में सर्वाइव करना है तो उसके लिए सिट्रियन कंपनी को C3 में फीचर एड ऑन करने पड़ेंगे। 8th लीस्ट सेलिंग कार है ह्यूंडई की ट्यूसॉन, जिसकी 201 यूनिट भी किए अप्रैल के मंथ में। अगर हम ह्यूंडई ट्यूसॉन के पैकेज के बारे में बात करें तो ये कार में अच्छे फीचर्स, अच्छी स्पेस मिलती है, बट प्राइस सेगमेंट के बारे में ये कार मार खा जाती है, यानी थोड़ी ओवर प्राइस है। 7th लीस्ट सेलिंग कार है मारुति की इनविक्टो, जो कि इनोवा हाई क्रॉस का रीबैज वर्जन है, जिसकी 193 यूनिट्स भी किए अप्रैल के मंथ में। 6th पोजीशन पर आई है MG ग्लॉस्टर, जिसकी 124 यूनिट्स भी किए अप्रैल के मंथ में। अगर हम ग्लॉस्टर की बात करें तो ग्लॉस्टर नो डाउट एक अच्छा पैकेज है, बट ग्लॉस्टर जो सेगमेंट में आती है उस सेगमेंट में फॉर्चुनर ही किंग रहती है। सेगमेंट के हिसाब से ग्लॉस्टर में अच्छी स्पेस, फीचर और 4x4 आता है, जिसे ये एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाती है, पर फिर भी लोग बाग इसे खरीदते नहीं है और ये अप्रैल मंथ की 6th लीस्ट सेलिंग कार ऑफ इंडिया है। 5th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन की टिगवान, जिसकी 108 यूनिट भी किए अप्रैल के मंथ में। नेक्स्ट 4th पोजीशन पर आई है जीप मोटर्स की मेरेडियन, जिसकी 95 यूनिट्स भी किए अप्रैल के मंथ में। जीप मेरेडियन एक 7-सीटर SUV है, बट ये एक स्यूडो 7-सीटर है, यानी लास्ट रो में सिर्फ बच्चे कंफर्टेबल ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट 3rd पोजीशन पर आई है सिट्रन की और एक कार C3 एयरक्रॉस, जिसकी 93 यूनिट्स भी किए अप्रैल के मंथ में। C3 एयरक्रॉस एक 5- और 7-सीटर SUV है, जो कि लीस्ट सेलिंग कार में 3rd पोजीशन पर आई है। 2nd पोजीशन पर आई है शार्क डिज़ाइन वाली महिंद्रा मराजो, जिसकी 20 यूनिट्स भी किए अप्रैल के मंथ में। महिंद्रा मराजो में डीजल इंजन आता था, जो कि सेगमेंट के हिसाब से बहुत कम माइलेज क्लेम करता था, और कुछ लोगों को इस गाड़ी की डिज़ाइन अच्छी नहीं लगी, इसलिए ये कार इतनी चली नहीं। और 1st पोजीशन पर आई है सिट्रियन की C5 एयरक्रॉस, जिसकी 1st पोजीशन पर सिर्फ 1 यूनिट भी किए अप्रैल के मंथ में। अगर आपने नोटिस किया होगा इस वीडियो में, तो सिट्रियन की सभी कार्स इस वीडियो में हैं, जो कि लीस्ट सेलिंग कार है। अगर इंडियन मार्केट में कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो सिट्रियन को अपनी गाड़ियों को बहुत ही जल्द अपडेट करना पड़ेगा। तो ये थी टॉप 10 लीस्ट सेलिंग कार ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2024। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।